So what was the third type of flow? Turbulent flow. It is disorderly flow of a liquid in which the particle velocity exceeds the critical velocity. पहले हम define करते हैं critical velocity, then we will define this type of flow. Turbulent flow is disorderly flow in which velocity of particles is greater than the critical velocity. It is the disorderly flow in which the velocity of particles is greater than या exceeds the critical velocity. The velocity of particles exceeds the critical velocity. Now, what is critical velocity? First of all, let us understand. Critical velocity वो होती है ना जहां तक flow streamlined है. After that, it will go disorderly. After that, it will go turbulent. एक limit होती है when you open the tap. तब तक जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है, ऑर्डरली रहता है. जब आप उसके बाद टैप को वाइड ओपन कर देते हो, देन द वेलोसिटी एक्सीड्स क्रिटिकल वेलोसिटी. सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन. आफ्टर दैट इट विल बिकम डिसऑर्डरली और टर्बुलेंट. ठीक है, लिखे डेफिनेशन. क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच It is the maximum velocity up to which the flow of a liquid remains orderly or streamlined. Up to which the flow of a liquid remains streamlined or orderly. ठीक है, आफ्टर दैट वेलोसिटी इट बिकम्स टर्बुलेंट. राइट, तो वो टर्बुलेंट हो जाता है. टर्बुलेंस के एग्जांपल्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन सी, किचन मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स, दे ऑल वर्क ऑन टर्बुलेंस प्रिंसिपल. ठीक है, जो मिक्सर्स हैं, एग बीटर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, वो सब टर्बुलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो उसमें किसी में भी फ्लो लिक्विड का ऑर्डरली नहीं रहता, सभी टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, स्मोक क्लाउड कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, आप देखते हो पहले वो जो क्लाउड है उसकी स्ट्रीम जाती है एयर में, जाके वो टर्बुलेंट हो जाता है. थोड़ी देर बाद वो क्लाउड जो है वो डिस्पर्स हो जाता है, स्कैटर हो जाता है. ठीक है, सो स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंस. मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, एग बीटर्स, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टर्बुलेंस. देन वॉटर स्ट्राइकिंग द पोल इन अ रिवर. सपोज कि रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, रास्ते में एक पोल से जब वाटर स्ट्राइक करता है तो ऐसे एडीज बन जाती है, उनको हम एडीज बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी टर्बुलेंस का एग्जांपल है. सो व्हेन द वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इज स्ट्राइकिंग अ पोल इन अ रिवर, देन टर्बुलेंट फ्लो इज देयर एंड एडीज आर फॉर्म्ड. इनको व्हर्लपूल्स को एडीज बोलते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो क्लियर हो गए तीनों. स्ट्रीमलाइन एंड लेमिनर, दे आर ऑर्डरली फ्लोस, एंड टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज डिसऑर्डरली फ्लो. एंड देयर इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फ्लो, दैट नंबर इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर डिनोटेड बाय एन आर, रेनॉल्ड नंबर. इट इज अ डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, और रादर इट्स अ नंबर That determines the type of flow. इसकी वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि कौन सा टाइप का फ्लो है. ठीक है, लिख लीजिए, इट्स अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड. दैट डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड. Quantity. It is a unitless, dimensionless quantity that determines the type of flow of a liquid. Reynolds number is given by the formula rho v d by eta.
याद है डायमेंशनल एनालिसिस में किया था हमने ये क्वेश्चन जिसके फोर फैक्टर्स थे. सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. अभी हम करते हैं उसका प्रूफ दोबारा से जिसमें फोर फैक्टर्स थे. तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में एक की डिपेंडेंस दी हुई थी पहले से. सो लेट अस डिराइव दैट. लिखिए इसका प्रूफ जो है वो डायमेंशनल प्रूफ है. राइट डाउन रेनॉल्ड नंबर एन आर, रेनॉल्ड नंबर एन आर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये क्वेश्चन है, इस फॉर्म में था. रेनॉल्ड नंबर एन आर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड. डेंसिटी फंक्शन ऑफ डेंसिटी, मतलब तीन फैक्टर्स यू हैं. फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड. उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो. क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड. आगे दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज ऑल्सो, नहीं अभी वो तो हम निकालेंगे ना, अभी तो फैक्टर्स भी हैं. वो तो हमारा फॉर्मूला आएगा, उसकी पावर अपने आप आएगी नेगेटिव. इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर कैपिटल डी ऑफ द पाइप. इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर कैपिटल डी ऑफ द पाइप. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर मतलब इसकी आपको पावर दी हुई है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ डायामीटर. अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इन्वर्सली लिखा होता, स्क्वायर होता, क्यूब होता या स्क्वायर रूट होता तो वो दिया होता क्वेश्चन में. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस फर्स्ट पावर है डी. तो अब हम बाकी फैक्टर्स को तो ए बी सी लेंगे पर इसको डी नहीं लेंगे. वी कांट डिराइव अ रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन थ्री वेरिएबल्स, यू नो दैट दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो फोर्थ फैक्टर की डिपेंडेंस आपको दी हुई है, ऑलरेडी गिवन. अब आप इसको बिल्कुल उसी वे से कंटिन्यू करके डिराइव करते, ठीक है. चलिए करो डिराइव इसका फॉर्मूला. तो पुट द डायमेंशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, के कांस्टेंट, डेंसिटी, वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायामीटर, डायामीटर इज लेंथ ओनली. ये हो गए. यस असीज क्या हो गया, कलेक्ट द पावर्स. नाउ इक्वेट द पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स. यू गेट थ्री इक्वेशंस, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो. तो इनको अब सॉल्व करना है आपने और फाइंड ए बी सी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यू गेट ए इक्वल टू माइनस सी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री यू अगेन गेट ए बी इज इक्वल टू माइनस सी. तो इन दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस सी. पुट दीज वैल्यूज इन सेकेंड इक्वेशन, माइनस थ्री ए को पुट करो माइनस सी, बी को भी माइनस सी, ठीक है. तो ये हो गया थ्री सी माइनस टू सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, थ्री सी माइनस टू सी इज सी प्लस वन इक्वल टू जीरो. यहां से सी आ गया माइनस वन, सी आ गया माइनस वन, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस सी. तो ए एंड बी आर इक्वल टू माइनस और माइनस वन प्लस वन. ए बी सी आ गई आपके पास वैल्यू सारी, ठीक है. सो ए एंड बी आर वन एंड सी इज माइनस वन. सो पुट दीज वैल्यूज देयर एंड यू गेट द सेम फॉर्मूला. हेयर के इज वन, कॉन्स्टेंट इज वन. सो यू गेट दिस फॉर्मूला रो वी डी बाय ईटा. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर्मूला.
क्लियर, कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशंस, बट बिफोर वी डू बर्नौलीज थ्योरम हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है? वो मेंशन नहीं है बट आपको उसके बिना बर्नौलीज थ्योरम समझ में नहीं आएगी. सो लेट अस डू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. Equation of continuity has very simple meaning. कभी आपने प्लांट्स को वाटर किया होगा विद द हेल्प ऑफ अ पाइप, तो यू मस्ट हैव सीन, आपने खुद ही ये करके भी देखा होगा कि जब नॉर्मली आप वाटरिंग कर रहे हो, अगर आप हाफ क्रॉस सेक्शन को थंब से कवर कर देते हो पाइप के, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वाटर दैट इंक्रीजेस. तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लिक्विड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. स्मॉलर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, तो इसमें सिंपली ये रिलेशनशिप है कि फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड एवी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो पहले आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल लिक्विड क्या होता है, लेट अस सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल लिक्विड और फ्लूइड दैट इज हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, सिन लिक्विड, सिन से आप इसको लर्न कर सकते हो, अ लिक्विड हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सिन, उसको आप बोलोगे आइडियल लिक्विड. एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रीमलाइन, द फ्लो ऑफ द लिक्विड शुड बी ऑर्डरली. फर्स्ट आई मीन्स incompressible, liquid is incompressible means its density remains same throughout, कि हम liquid को compress नहीं कर सकते. हाँ जी, हाँ, practically ideal बिल्कुल तो नहीं होगा, पर फिर भी ये characteristics obey होनी चाहिए to certain extent. ठीक है, 90-95% तो होनी चाहिए. S है streamline, S stands for streamline flow. I stands for incompressible, liquid it cannot be compressed, its density remains same throughout, we are assuming. हम ये assume कर रहे हैं कि हम इसकी density को same ले रहे हैं, assume कर रहे हैं throughout, so it is incompressible. दूसरा आई है irrotational. Irrotational मतलब if we keep any object capable of rotating also in the path of such a liquid, it does not rotate. That means the liquid is not exerting unwanted torque on anyone. इसका मतलब है, suppose हम wheel भी रख देना अगर उस liquid के पास में, वो भी rotate नहीं होना चाहिए. So it is not creating or exerting any external unwanted torque on the object kept in its path. इसका मतलब होगा that liquid is irrotation. ठीक है, तो ये भी एक characteristic है ideal liquid की. N stands for non-viscous. Liquid should be free from viscous effect. ठीक है, इसके अंदर रिटार्डिंग फोर्स नहीं होना चाहिए, वो तो होगा, पर हम अज्यूम करते हैं कि एक आइडियल लिक्विड के अंदर कोई विस्कोसिटी भी नहीं है. ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये कि बहुत ही कम विस्कोसिटी वाला लिक्विड लेना चाहिए, ये नहीं कि हम हनी ले लें या कोई ऐसा लिक्विड ले लें जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है. आपकी होगी थी ये वाला, हाँ आपने सेंड की थी, पर वो टिल्ट किया हुआ है आपने उसका वर्टिकल लो. आई सेंड यू फोटोग्राफ ना, वर्टिकल लो, मैंने आपको फोटो भेजी थी ना, देखिए आपने, नहीं नहीं आपने देखी, मैंने जो सेंड की थी आपको जिस पे आपने रखा हो वो बहुत ही कम एंगल पे है, उसको वर्टिकल रखो जैसे मैंने आपको फोटो भेजी. और तो अब लिखिए स्टेटमेंट, एस मींस स्ट्रीमलाइन, I means incompressible, another I means irrotational, and N means non-viscous. So, ab likhiye statement of equation of continuity. For the streamline flow of an ideal liquid, वैसे इसमें streamline आ ही जाएगा, but फिर भी लिख लो. For the streamline flow of an ideal liquid, for the streamline flow of an ideal liquid, the product of area of cross section
the product of area of cross section and velocity of the liquid remains constant. The product of area of cross section and velocity of the liquid remains a constant. This is the statement. Example likho iska wahi jo maine aapko bataya tha. It is in the exercise also. Exercise mein bhi yahi wala example diya hua hai. Ye watering the plants wala. Ki fast jets of water. Likhiye example. Fast jets of water gush through G-U-S-H. Gush through the openings between the fingers. Fast jets of water gush through the openings between the fingers. Why? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जहां पे area of cross section कम है उसमें से water जो है वो ज्यादा speed से निकलेगा. अगर आप अपने hand को water flow के आगे रख देते हो तो यहां से जो water है वो ज्यादा speed से निकलेगा जहां पे area of cross section कम है. Right? So another example is deep waters run slow. एरिया कम है वेलोसिटी ज्यादा. अभी प्रेशर से रिलेट करेंगे अंबर नॉलेज थ्योरम. अभी पहले आपने रिलेशन देखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी में. अब प्रेशर के साथ रिलेट करेंगे अंबर नॉलेज थ्योरम. राइट. चलिए तो इसका अनदर एग्जांपल ये लिख लिया. फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन द फिंगर्स. व्हाई? सो दिस इज बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. नैरो ओपनिंग्स बिटवीन द फिंगर्स हैव लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So velocity of the liquid through these openings will be smaller, will be more. ठीक है ना? तो वो आप relate कर सकते हो that narrow openings between the fingers they have lesser area of cross section, hence velocity of liquid coming out will be more because they are inversely proportional to each other. AV is a constant. ठीक है? Another example, very important example and conceptual is deep waters run slow. Why? Deep waters run slow. Comment. मतलब ये है कि सरफेस का वाटर का सेम ही लग रहा है. आपको नहीं पता कहां से वाटर डीप है कहां से नहीं है. बट जो उसका अनइवन बॉटम है जहां पे डेप्थ ज्यादा है वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी मोर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. वहां पे वाटर का जो फ्लो है वो कम होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी. इसका मतलब जहां पे आपको वाटर की स्पीड ज्यादा नहीं लगती है वहां ज्यादा डीप होता है वाटर. सो डीप वाटर्स रन स्लो. जहां पे डेप्थ कम होगी ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी. वहां पे लिक्विड फास्ट होगा वाटर का फ्लो फास्टर होगा उस समय. ठीक है तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डीप वाटर्स रन स्लो. फाइन. क्योंकि जहां पे डेप्थ ज्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी लेस एंड वाइस वर्सा. फाइन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला. अब हम इसका प्रूफ करते हैं. सो लेट अस टेक अ ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस पर्पस. एक वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली पाइप या ट्यूब ले लेते हैं. ये एंड ए है ये एंड बी है. सपोज सी स्पीड ऑफ लिक्विड एंटरिंग द पाइप इज बी वन. स्पीड ऑफ लिक्विड लीविंग द पाइप इज बी टू. सपोज वी टेक अ ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उधर कम है. यहाँ पे स्पीड ऑफ लिक्विड एंटरिंग इज लेस मतलब जितनी भी है लेस है या मोर है. वी वन है वहां वी टू है. हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए ले लेते हैं या ए वन ले लो. और हियर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए. तो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है. हाँ अब देखो जहां हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेटर लिया यहाँ पे स्पीड कम होगी और दूसरी साइड पे ज्यादा होगी. ठीक है बट मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब पर सेकेंड विल बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड. जितना लिक्विड एंटर कर गया उतना बाहर निकलेगा तो सही ना. तो ये मास डेंसिटी रिमेन्स द सेम ये लेके चलते हैं. ठीक है सो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द लिक्विड एंटरिंग द पाइप. लेट अस राइट मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द पाइप पर सेकेंड. पर सेकेंड लेना है हमें.
इसको थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं. मास को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. वॉल्यूम इज बेसिकली एरिया इनटू लेंथ. तो मास पर सेकेंड मतलब मास ओवर टाइम क्या होगा? डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम. व्हाट इज लेंथ ओवर टाइम? वेलोसिटी. तो हम लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड को ए वन वी वन रो वन. तो मास को ऐसे क्यों लिया? वो रफ में हमने शो कर दिया. ये है मास. हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट ए वी इज अ कॉन्स्टेंट. दैट विल बी द प्रूफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू हाउ वट एवर लिक्विड इज एंटरिंग द पाइप दैट मच लिक्विड विल बी लीविंग द पाइप ऑल्सो फ्रॉम द अदर एंड. तो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल रिमेन द सेम एट ए पॉइंट एंड एट बी पॉइंट. तो पहले हमने लिक्विड एंटरिंग द पाइप पर सेकेंड ले लिया ए वन वी वन रो वन. नाउ मास ऑफ लिक्विड लीविंग द पाइप पर सेकेंड हाउ कैन वी राइट? ए टू वी टू रो टू इन द सेम वे. ये आपका एम वन है, ये आपका एम टू. So since mass density remains the same, you will say जितना liquid enter किया उतना leave भी करेगा. तो we equate the two things. Since we have taken ideal liquid, density will remain the same throughout. दोनों ends पे density same होनी चाहिए. So put rho one and rho two equal to rho here. Cancel मत करो, equal put कर दो यहाँ. ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? मास पर सेकंड. यहां पे मास पर सेकंड को देखो, मैंने एम लिया, एम वन लिया, एम वन ओवर टी नहीं लिखा है. तो दैट मींस इन दिस आर्टिकल द सिंबल एम मींस मास पर सेकंड. तो ये मास पर सेकंड के इक्वल है. यहाँ पे आप क्यों बातें कर रहे हो दोनों? नमन ध्रुव, नमन और ध्रुव. ठीक है, तो रो को उस साइड भी ले जाइए, रो ऑन द अदर साइड. ठीक है, तो ये पार्ट अगर हम देखें, सो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, दैट मीन्स ए वी इज अ कॉन्स्टेंट. बट रिमेंबर दिस ऑल्सो कि ए वन वी वन ए टू वी टू है किसके इक्वल? एम बाय रो. दैट विल बी यूजिंग इन द नेक्स्ट आर्टिकल. ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे. हाँ जी, 12 का था ना, तो 12 का ही होगा. कौन सा पेपर? अच्छा, मैंने सोचा आज वाले की बात करूं. हाँ, अभी तो यही लेके चलो, 35 का होपफुली. ठीक है, सो ए बी इज अ कॉन्स्टेंट हियर. All right. This is the proof of equation of continuity. ये चीज हम यूज करेंगे, इसको भी अंडरलाइन करके रख लो. ए वन वी वन ए टू वी टू इज इक्वल टू एम बाय रो. वेयर व्हाट इज एम? मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, वो डिवाइडेड बाय टाइम है. ठीक है, पर सेकेंड है ये, क्योंकि हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको एल को वी लिखा था, नहीं तो नहीं हम लिख सकते. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद बर्नौली सिरम देन, राइट?